जी इतना आ गई है ऑनलाइन। जी बेटे, और किसी का कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड, प्रैक्टिकल से रिलेटेड, तो आप पूछ सकते हैं। जी क्लियर सबको? सर एवरेज काउंट का पूछा था। हाँ वो वही। अच्छा एवरेज काउंट जो है वो एक तो सिंपल तरीका ये है कि हमने ये आपको कह दूं कि ये चार प्राइमरी स्क्वेयर्स थे, इनके अंदर आपने काउंटिंग की, तो आप क्या करो, आप इन चारों के जो सेल्स हैं, फॉर एग्जांपल पहले प्राइमरी स्क्वेयर के अंदर आपने काउंट किए 25, दूसरे के अंदर आपने काउंट किए 18, थर्ड के अंदर आपने काउंट किए 19 और फोर्थ के अंदर आपने काउंट किए 22, तो आप इन सब को ऐड कर लो, जो भी इसका सम आएगा, सॉरी वो, और उस सम को आप कितने टोटल स्क्वेयर्स थे जिसमें आपने काउंटिंग की है, मतलब प्राइमरी स्क्वेयर को फोर, तो आप उसको फोर पे डिवाइड कर लो। इसका एवरेज लेने का यही होता है, जितने आपने नंबर सम किए हैं उनको आप फोर पे डिवाइड कर लो, तो वो आपके पास एवरेज नंबर ऑफ डब्ल्यू बी सी आ जाएंगे। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है, दूसरा तरीका ये है कि आपने आपने जो सेल्स काउंट किए हैं वो आपको पता है कि किसी भी काउंटिंग एरिया की जो टोटल लेंथ होती है वो 3 mm होती है, तो एक प्राइमरी स्क्वायर जो है उसकी लेंथ होती है 1 mm। सो जितनी स्क्वायर की लेंथ है उतनी उसकी हाइट है या विड्थ है, इसका एरिया जो है वो कितना बनेगा, 1 mm square, ठीक है। सो आपने टोटल जो नंबर ऑफ WBCs काउंट किए हैं वो कितने एरिया के अंदर काउंट किए हैं, वो क्या कितना था, 1 mm square एरिया ये हो गया, +1 +1 and +1, तो 4 mm square एरिया के अंदर आपने काउंट किया। सो आप टोटल नंबर ऑफ जो WBCs हैं उसको आप डिवाइड करोगे उसके एरिया के ऊपर, जितने एरिया, जितने मिलीमीटर स्क्वायर एरिया के अंदर आपने WBCs काउंट किए, तो 4 × 4 पे डिवाइड करोगे तो भी वही आंसर आएगा। सो इसलिए हम सिंपल आसानी के लिए कह देते हैं कि नंबर ऑफ जो WBCs हैं उसको काउंटिंग करने के लिए हम चारों प्राइमरी स्क्वायर्स में काउंट करते हैं, बट उनका हम एवरेज ले लेते हैं और उसको 4 पे डिवाइड करते हैं, ठीक है। सो दिस एवरेज इज बेसिकली दैट एवरेज कम्स फ्रॉम द 4, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर, जी सर ये डाइल्यूशन का बता दें दोबारा, ये उसमें कैसे कैलकुलेशन की थी? RBCs में के नहीं, इस WBCs में।
इसी में से। हाँ जी सर, ये डाइल्यूशन फैक्टर 20। देखें, आपने पहले क्या किया, ब्लड लिया 0.5 तक, और उसके उसमें डाइल्यूएंट ऐड किया किस मार्क तक, 11 मार्क तक आपने ऐड किया, तो रेशो क्या हुई डाइल्यूशन की, 0.5 और 11, ठीक है। फिर जब आप चैम्बर को चार्ज करने लगे, उससे पहले आपने एक दो ड्रॉप डिस्कार्ड कर लिए, तो हम ये ज्यूम करते हैं कि आपने वन पार्ट आउट ऑफ 11 डिस्कार्ड कर लिया। सो आप वन पार्ट माइनस करोगे तो कितना बनेगा, 10। 11 से 1 माइनस हाँ करोगे जी, तो 10। सो आपके पास डाइल्यूशन फैक्टर का हाँ क्या जी, बना, 0.5 10, ठीक है। तो 0.5 पार्ट्स के हाँ लिए अगर जी, आप 10 टाइम्स डाइल्यूट कर रहे हैं, तो वन पार्ट अगर आप ब्लड का लेंगे तो कितने टाइम्स तो डाइल्यूट करना ट्वेंटी पड़ेगा, 20 टाइम्स। सो दैट्स व्हाई हम ओके, 20 टाइम्स। थैंक यू सर, समझ आ गई। ओके बच्चे, और किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है, फिर हम यहाँ पे एंड करें। चलें ठीक है, थैंक यू बच्चे, ओके, अल्लाह हाफिज, मिलते हैं फिर थ्योरी में। ओके।